सर आपको अगर पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा हो तो वो पाकिस्तान तो आप लोग देख सकते हो कितना क्राउड है, मतलब बहुत देर से ये क्राउड निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, फिर भी स्टिल कितना क्राउड है। तो अपने जाएंगे टिर्री से भैया, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको 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 बोलते हैं गाड़ी ऑटो बैटरी वाला। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। सो इट्स मॉर्निंग 1:14, मॉर्निंग नहीं नून हो गई है। ट्रिप की स्टार्टिंग से हम हर जगह लेट आलसी बने हुए, अभी भी ऐसा ही बेचारे। ये दोनों पहले रेडी होके आ गए थे, लेकिन हम लोग तो बेड पे उस टाइम सही बात है थेपला और चाय पी रहे थे। तो अभी का प्लान ऐसा है कि अभी अपने जाने वाले हैं अमृतसर गोल्डन टेंपल। लास्ट टाइम भी गए थे, इस बार भी जाना है। इस टाइम जो एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है वो हम जाने वाले हैं बॉर्डर। आ चुकी है हमारी गाड़ी गोल्डन टेंपल जाने। तो अपने जाएंगे टिर्री से भैया, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको 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 बोलते हैं गाड़ी ऑटो बैटरी वाला। तो यहाँ पे बोलते हैं बैटरी वाला गाड़ी, हमारे मेरठ में बोलते हैं इसको टिर्री, ई रिक्शा, बहुत कुछ बोलते हैं। तो अच्छा है, और अपने बैठे आगे। भाई क्या चाल है? सब बढ़िया है। जयपुर के बैठे। अरे अरे बढ़िया, देखना फेल मत जाना। आगे अमृतसर की अंदर की गलियों में से, तो मेन मार्केट है पुरानी, ऐसा है। यस, मानसिंह गेट। तो अब हम निकल रहे हैं मानसिंह गेट की तरफ। कौन सा चौक? मन्ना सिंह। मन्ना सिंह, मन्ना सिंह चौक। तो अपने एंटर हो रहे हैं, कौन सा गेट है, आगे का पीछे का पता नहीं जाता कि पीछे वाला गेट है ये। अब इधर से एंटर होने का है अपने को, पिछली बार अपने दूसरी साइड से एंटर हुए थे। तो यहाँ पर एंट्री पर एक भैया थे जो कि कोई सेवा करने आए थे, सिक्योरिटी वाले थे मेरे को पता नहीं, बट उन्होंने यहाँ से हमारा कैमरा सब बैग में रखवा दिया और बोला कि कैमरा अंदर अलाउ नहीं, आप वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर ऐसे कर नहीं सकते हो। तो मेरे पास पुरानी कुछ क्लिप्स पड़ी थी और अभी की इस बार की जो थोड़ा फोन से शूट कर पाया वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
अपने निकल रहे वापस, शाम को वापस आने का है, अभी जाने का है अपने को बॉर्डर। बहुत गर्मी। तो अपने जा रहे हैं अब कहाँ, वाघा बॉर्डर या कौन सा तरह बॉर्डर, वाघा बॉर्डर वही है ना। चलो हमें पाकिस्तान ले चलो, इसको तो छोड़ के यहाँ है। तो गाइस गुड इवनिंग, हम जा रहे हैं आज अटारी बॉर्डर, एंड मेरे साथ है पार्थ भाई, एंड मेरे पीछे बैठे हैं रजत कुकी, और हमारे साइड में बैठे चाचा आदि भाई, और ये है हमारे भव्य भाई। सर आपका नाम क्या है? बॉबी। बॉबी जी हमारे साथ है, बॉबी जी जो हमें सेफली लेके जाएंगे अटारी बॉर्डर पे, क्योंकि हमें थोड़ा डर तो है पर ठीक है। आप हमेशा घुसने की बातें मत किया करें। तो फिलहाल की सुन ली आपने, तो हम जा रहे हैं अटारी बॉर्डर। तो अपने ने सोचा कि बाइक से नहीं जाते, कल वापस से धूप में चलानी, और कल वापस से धूप में चला के आए हैं। भाई लोग पहले ही बोलते तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, कोई बोला ना 10 बजे के बाद निकलना है, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। नहीं बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। नहीं बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। नहीं नहीं सुबह जल्दी निकलते भाई। सुबह कितने बजे निकलना है? 6:30 मैक्स, 6 बजे का निकल ही जाएंगे। नहीं तो हर बार की तरह 12 बजे निकलेंगे, फिर धूप में हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद खड़े मिलेंगे हम। अभी तो रिलेटिवली हीट कम हो जाएगा, गर्मी तो लगेगा ही ना, पानी तो पीना ही पड़ेगा। अगर अगर हम यही सोचते रहे ना तो हम ले तो पहुंच लिए इस हिसाब से, तो हम ले हम जो ना इसके हिसाब से हम 5 से 6 दिन बाद पहुंचेंगे उस टाइम में। नहीं रिलेटिवली हम अगर सोचे हैं तो अब तक ठंड कम, गर्मी कम लगेगी ना, तो दोपहर में ही चलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया वार्मर कपड़े लाए पहनेंगे कब, ले पहुँच गए। तो गए ड्राइवर भैया बोल रहे थे अराउंड एक लाख जैसी पब्लिक होगी, 1 लाख पर्सन्स अराउंड होंगे यहाँ पर। पार्किंग ही देख लो ना, बस इतना बड़ा पार्किंग है, जहाँ तक देखो वहाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। से 4 फ्लोर ऊपर चढ़ने के बाद में ऊपर आकर के हमको ये पता लगता है कि हम नीचे भी बैठ सकते थे। जी हाँ, जो कि आप देख रहे हो कि और क्राउड नीचे भी बैठा है, बट उसके लिए हम लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है, या स्टार्टिंग में से कुछ कोई काउंटर था वहाँ से हम लोगों को बुकिंग करना पड़ता, तो ही हम नीचे जा करके बैठ सकते थे। जो व्यू ऊपर से देखने में था शायद नीचे से इतना व्यू अच्छा नहीं मिलता। हाँ हम परेड जो थी वो सब अच्छे से देख पाते, बट ऊपर से सब कुछ क्लियर था, सामने पाकिस्तान बॉर्डर भी दिख रहा था, पाकिस्तान की पब्लिक भी दिख रही थी। पाकिस्तान की साइड 5% पर्सन्स भी नहीं थे, मतलब कि 5% क्राउड भी पाकिस्तान की साइड नहीं था। ऊपर से जो व्यू था ना, जो सब कुछ देख करके जो वाइब्स आ रही थी, इनफैक्ट गूज बम्स आ रहे थे यार, बहुत अच्छा फील आ रहा था। और ये जो इंसान आप देख रहे हो बीच में, उनमें जो एनर्जी थी बहुत ज़्यादा थी। सो वो क्राउड से इशारों में जिस हिसाब से बात कर रहे थे ना, वो भी देखने लायक था। पूरा क्राउड उनके इशारों पे ऐसा लग रहा था नाच रहा है, इन द सेंस कि वो जैसे इशारा करते थे तो चिल्लाते थे लोग, जो बोलते थे वैसा करते थे। ओवरऑल ऊपर से देखने में जो मजा आया, मेरे को लगता है नीचे से देखने में इतना मजा नहीं आता। मेरे को इस बात में गलत मत बोलना, मैं श्योर भी नहीं हूँ क्योंकि नीचे से मैंने कुछ देखा नहीं, ऊपर से जो देखा उस हिसाब से आपको बताया। Oh!
वीडियो में शायद आप लोगों को इतना पता ना लगा हो, बट मेरा सजेशन है एक बार आप लोग जाओ और जा करके एक्सपीरियंस करो, तो आप लोगों को पता लगेगा कि वहाँ की वाइब्स क्या थी और क्या फील आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हो कितना क्राउड है, मतलब बहुत देर से तो ये क्राउड निकल ही रहा है फिर भी स्टिल कितना क्राउड है। तो अभी यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा है, ड्राइवर भैया ने बोला है कि थोड़ी देर 10-1 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा ट्रैफिक यहाँ से निकल जाए उसके बाद निकलते हैं। और अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो उधर हो रहा है सनसेट, और किधर गया उधर, आपको अगर पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा हो तो वो पाकिस्तान है, ये बॉर्डर नहीं है, इसके आगे भी बॉर्डर है। सो टाइम हो गया है 7:26, Am I right? अभी जाएंगे रूम पे, खाने जाएंगे, क्या जाएंगे कुछ पता नहीं। अभी पहले प्लान कुछ ऐसा है कि अपने जाएंगे टेंपल वापस से रात को, तो जाएंगे तो है, सोचा तो है, अभी जाकर के रूम पे जाकर के देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपने को वीडियो भी एडिट करना है, दो दिन से कोशिश कर रहा हूँ वापस से, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप में इशू हो रहा था, कुछ हो रहा था। हेमंत ने कोशिश किया, धीरज भाई ने कोशिश किया, अभी जाकर के देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को वीडियो शायद कल या परसों में देखने को मिल जाए, मतलब इस वीडियो के आने से पहले तो आप देख ही चुके होंगे ऑब्वियसली। अब जाते हैं, देखते हैं टेंपल जाएंगे या नहीं जाएंगे, रूम पे तो जाते हैं, फिर खाना खाने देखेंगे, बाहर ही जाएंगे भाई, बाहर ही जाएंगे ना खाना खाने, तो बाहर ही जाएंगे खाना खाने। तो पहुंच गए अपने होटल पे, थैंक्स टू पाजी, फिर मिलेंगे। तो चलो ऊपर जाते हैं, जल्दी से फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर जाते हैं ठूस ने, पाजी ने होटल बताया वहीं पर जाएंगे खाने के लिए, देखते हैं जाएंगे कैसे वो पता नहीं। हो गया मिलेगा, अरे पक्का, वो तो लिख लिया वैसे तो। गूज़बम्स आ रहे थे यार, बहुत अच्छा फील आ रहा था, बहुत अच्छी थी। और वो क्राउड को जिस हिसाब से कैसे बोलते हैं, तो क्राउड को